देश के अन्य शहरों में नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में लंबे वक्त से प्रदर्शन चल रहा है। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। इसी कड़ी में हाल ही में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने वीडियो जारी करके बड़ा बयान दिया। रिजवी ने कहा कि शाहीन बाग और देश के अन्य राज्यों में कांग्रेस की गंदी राजनीति का शिकार हुए लोग धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर CAA, NRC और NPR का विरोध कर रहे हैं, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि वो लोग तब कहाँ थे जब साल 1990 में कश्मीरी पंडितों को जबरन निकाला जा रहा था, वहीं हजारों कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आगे कहते हैं कि जब साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उस वक्त दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्ल कर लाल कर दिया गया। उस वक्त अगर लोग जागरूक होते तो हजारों कश्मीरी पंडितों और सिखों को बचाया जा सकता था। रिजवी ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों को रात में धरने पर बैठाने वालों को चूड़िया पहन लेना चाहिए। CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि NRC के विरोध में पुराने लखनऊ में महिलाओं का प्रदर्शन जारी रहा। दरअसल खुले आसमान के नीचे पिछले शुक्रवार से बड़ी संख्या में महिलाएं दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर पुराने लखनऊ स्थित घंटाघर के सामने प्रदर्शन कर रही हैं। उनके साथ बच्चे भी हैं। इन महिलाओं का कहना है कि सरकार जब तक CAA और NRC को वापस नहीं लेती तब तक वो अपना धरना समाप्त नहीं करेगी। बता दें आपको कि इससे पहले प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाया था कि काफी सर्दी होने के बावजूद पुलिस ने शनिवार की देर रात उनके कंबल जब्त कर लिए गए। हालांकि पुलिस ने एक बयान जारी कर इस पर सफाई दी। पुलिस का कहना है कि कुछ सामाजिक संगठन इन महिलाओं को कंबल दे रहे थे, तभी बड़ी संख्या में अन्य लोग जो इस धरने में शामिल नहीं थे वे भी कंबल लेने के लिए वहां पहुंच गए। भीड़ और अफरा तफरी को रोकने के लिए उसने वहां से कंबल हटवाए। SPR 9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।